Hello everyone, how are you? In previous lecture we did about adjoint of a matrix. Today is the turn for inverse of matrix. तो व्हाट इज मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 2 का इनवर्स क्या होता है. 2 का इनवर्स होता है 1/2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड 1/2 इक्वल टू 1. ओके, अब मैं बोलूं आपसे कि 1/2 का इनवर्स क्या होगा, तो डेफिनेटली यू विल से दैट इट इज 2. ओके, तो इसी तरीके से हम मैट्रिक्स का भी इनवर्स पढ़ते हैं. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो मैं इसको पहले डिफाइन लिखता हूं कि इफ फॉर अ नॉन सिंगुलर कंडीशन रहेगी, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इफ फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इफ देयर एग्जिस्ट अन अदर मैट्रिक्स बी such that A multiplied with B equal to B multiplied with A, okay, equal to identity matrix. ठीक है, मतलब अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास A, ठीक, और कोई एक अलग मैट्रिक्स B है, उनकी अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी कैन से दैट A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A. ठीक है, तो ये बात हुई समझने की, डिफाइन पार्ट हुआ कि इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का. तो क्या हुआ वो दोबारा इसको रीडिफाइन करते हैं. फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन होगी कि मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर हो. ठीक है, ए इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी, अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि ए बी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, बी ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए को बोलेंगे बी का इनवर्स और बी को बोलेंगे ए का इनवर्स. दैट इज क्लियर. अब सेकेंड स्टेप आता है कि हाउ टू ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. हाउ टू ऑब्टेन, क्वेश्चन गिवन होता है कि भाई इसका इनवर्स बताइए. हाउ टू ऑब्टेन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं. एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो आपकी बोर्ड की एक्सरसाइज से डिलीट हो चुका है. दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड. तो हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट की, कि किसी भी मैट्रिक्स का ए मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डेट ए मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी एन क्या है यहां पर, ऑर्डर मैट्रिक्स का. ठीक, तो यहां पे जो मैट्रिक्स हमने ए ली है वो भी एन ऑर्डर की है, बी भी सेम ऑर्डर की होगी. ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट ए डॉट आइडेंटिटी. ओके, अगर मैं इस डेट ए को इधर ले आता हूं तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेट ए इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी. तो हमारा डिफाइन पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई ए कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की और दूसरी मैट्रिक्स बी है सेम ऑर्डर की, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलती है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्स. ठीक है, तो मैं एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए को क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स ऑफ ए. तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट
ए अपॉन डेट ए। तो अब जब हम एग्जांपल लेंगे किसी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डेट निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई टू सॉल्व विद एग्जांपल। ओके, देन स्टार्ट। तो यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं एक इनवर्स निकालने के लिए। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपकी 2, 4, 1, -1। ठीक है, क्या ऑर्डर है इसका, 2x2 ऑर्डर। तो ए मैट्रिक्स हमको मिली, यहां से हम पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या, इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, C11 की वैल्यू क्या होगी, C11। तो कोफैक्टर निकालने का क्या मेथड था, 11 मतलब इवन आया तो पॉजिटिव रहेगा साइन, और इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या आई, -1 C12। ठीक है, इनका प्लस क्या हो गया, ऑड, इट मींस ये इस कॉलम में जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, इक्वल टू नेगेटिव। आप सी क्या निकाल रहे हैं हम, C12, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, अब आ जाओ C21, C21 ऑड नंबर है तो वैल्यू प्लस होगी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, C21 माइनस होगी तो -4 C22 की वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओके, और बची क्या, 2। तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई C, एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, C11 -1 -1, C21 -4 एंड C22 क्या है, 2। ठीक है, इसका हमने कर दिया ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज किया तो मैट्रिक्स मिली हमें -1 -1 -4 2, ये हमको मिली एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकाल लेते हैं डेट ए, डेट ए, डेट ए, डेट ए इक्वल टू ये वाला डायगनल -2 माइनस इस वाले डायगनल का प्रोडक्ट -4 इक्वल टू -6। डेट ए की वैल्यू आ गई, हमने बोला था कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेट ए क्या होता है अपना, ए इनवर्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये है, डिवाइड किससे करना है, -1/6, मैंने यहां लिख दिया -1 -1 -4 2। ओके, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी -(-+)1/6 1/6 मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, और यहां से प्लस का 4/6, और यहां से क्या मिलेगा हमें, -2/6 -2/6। तो ये वैल्यू होगी हमारी इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। एक बात नोट करने वाली है कि इनवर्स ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, लेकिन अगर इनवर्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नेवर नेवर हैव द इनवर्स, कभी उसका इनवर्स नहीं होता, डज नॉट हैव द इनवर्स। ठीक है, तो अब ये हमने यहां से 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं एक और एग्जांपल लेकर। ये हमने सेकंड एग्जांपल लिया है 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्या निकालना है हमें, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इसका, तो इनवर्स निकालने के लिए हमने कहा था कि पहले एडजॉइंट निकालते हैं, उसके बाद डेट निकालते हैं, या पहले डेट निकाल दो, डेट ए यहां से निकाल लेते हैं, डेट ए की वैल्यू, तो डेट ए की वैल्यू होगी क्या, 1 1 मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर के साथ, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 1 3 -0
3 माइनस 0, माइनस 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0, तो 3 माइनस 0 मतलब 3, सॉरी। अब दूसरा माइनस, सेकंड क्या होगा, माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया, माइनस 1, और ये 0 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। अब माइनस 2, थर्ड क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन यहां नेगेटिव गिवन है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाइड माइनस 2, माइनस 1 मल्टीप्लाइड माइनस 2, 2 और माइनस 0, तो यहां से हमें डेट ए की वैल्यू मिलती है 3 माइनस 2, 3 माइनस 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 प्लस 2 एंड माइनस 4 मतलब 1, तो डेट ए की वैल्यू तो 1 हो गई। अब कोफैक्टर निकालिए इसके, C11 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 1 3 और माइनस 0 मतलब 3 हो गया, और C12 की वैल्यू क्या होगी, C12 के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, लेकिन माइनस साइन पहले लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। C13 की वैल्यू क्या आएगी, C13 की वैल्यू आएगी C13, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, 2, पॉजिटिव वैल्यू 2 हो गया, 2 माइनस 1 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 इंटू 2 माइनस 0 तो 2 वैल्यू आएगी 2, ये एक हमारा तैयार हो गया। अब है C21, C21 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव साइन लगा दिया, C21 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 2 2 और माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली हमें, 2, C12, C21, C22 वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब C22 पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसके बाद क्या करेंगे हम, C22 की वैल्यू होगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो फाइनली वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 1, C23 की वैल्यू होगी, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, माइनस 1 इंटू C23 नेगेटिव होगी, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 हो गया, तो माइनस 2 वैल्यू मिली हमें माइनस 2। इसके बाद आते हैं C31, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा, कैंसिल कर दो, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, C32 वैल्यू देगा, ये है C32, ये कैंसल और ये कैंसल, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, लेकिन वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो माइनस 2। C33 की वैल्यू होगी, ये कैंसल, ये कैंसल, 1 इंटू 3 3 3 और माइनस 1 इंटू 2 माइनस माइनस 2, तो ये हो गई आपकी प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट ए क्या मिलता है, एडजॉइंट ए अगर मैं इनको सीधे लिख दूं, ट्रांसपोज, सीधे यहीं से मैं ट्रांसपोज के साथ लिखता हूं, तो 3 1 2 3 1 2 और ये मिलेगी 2 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 2 एंड 5, माइनस 6 माइनस 2 एंड 5। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स होगा आपका एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेट ए, लेकिन डेट ए क्या है आपका 1, तो सेम मैट्रिक्स आपका इनवर्स होगी, यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी इनवर्स, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला, लेकिन ये मैट्रिक्स इतना मतलब बहुत ही केयरफुली करने वाली कैलकुलेशन है, इसमें अगर माइनस की जरा सी मिस्टेक हो गई तो ये मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाती है, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमने जान के छोड़ी हैं। देखिए सॉरी, समझने के लिए हमने जान से छोड़ी है, तो C21 सेकंड कॉलम को हम ट्राई करते हैं, C21 ये है,
तो ये वाली रो कैंसल, ये वाला कॉलम कैंसल, टू, अच्छा टू वन है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, टू वन जा टू, ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस फोर, तो ये चीज करेक्ट हो गई। सी टू टू क्या है, सी टू टू के लिए ये कैंसल और ये कैंसल, ठीक है, मिलेगा क्या हमें, वन इंटू वन एंड जीरो इंटू माइनस टू, ठीक है, वैल्यू क्या देगा ये, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन लगा ही देते हैं यहां पर। अब वन इंटू वन क्या वैल्यू मिलेगी हमें, वन, और जीरो इंटू माइनस टू जीरो, तो ये वैल्यू हमारी वन है ना कि नेगेटिव वन। इस तरह की मिस्टेक इसमें बहुत ज्यादा होती है। अब सी टू थ्री चेक कर लें, तो टू थ्री ये वाला है, ये कैंसिल कर दिया मैंने और ये कैंसिल कर दिया, मिला क्या मुझे, ये वन माइनस टू, मल्टीप्लाई किया, पहली बात टू थ्री है नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा, हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब टू थ्री किसकी बात कर रहे हैं हम, टू थ्री की, टू थ्री कौन सा है, ये वाला, ये कैंसल, ओके, तो वन इंटू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, जीरो इंटू टू जीरो, तो माइनस टू, यहां से वैल्यू मिलेगी हमें प्लस का टू पॉजिटिव। अब ये जरा सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देती है, तो इसको बड़े आराम से हमें करना होता है। देखिए सी थ्री वन को चेक करें, ये रहा सी थ्री वन, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, थ्री वन मतलब पॉजिटिव साइन, तो टू इंटू टू जीरो, थ्री इंटू माइनस टू, थ्री इंटू माइनस टू, थ्री वन की बात कर रहे हैं हम, थ्री वन की, तो ये कैंसल, ये कैंसल, है ना, मिला क्या हमें, टू इंटू जीरो जीरो, और देखो यहां भी मिस्टेक हुई है, थ्री वन, टू इंटू जीरो जीरो और माइनस माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, फाइनली हमें क्या मिलेगा, सिक्स, सिक्स मिलेगा। सी थ्री टू की बात करें, तो थ्री टू में क्या हो जाएगा, ये वाली कॉलम जीरो हो जाएगा, ये वाली रो जीरो हो जाएगी, वन इंटू जीरो जीरो, पहली बात तो थ्री टू में नेगेटिव साइन होगा, और तुम्हारा ये थ्री टू, ये कैंसल और ये कैंसल, तो वन इंटू जीरो जीरो माइनस टू, वन इंटू जीरो जीरो माइनस, माइनस के बाद क्या मिलेगा हमें, टू, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, टू, ठीक है। तो ये अब ये आपकी एडजॉइंट क्या हो जाएगी, थ्री वन टू और टू वन टू, तो यहां प्लस लगा दूंगा मैं, टू वन टू, और यहां पर सिक्स टू फाइव, सिक्स टू फाइव, डेट ए हमारा क्या है, वन। अगर मैं डिवाइड करता हूं डेट ए को, तो अब मुझे फाइनली ए इनवर्स क्या मिलेगा, मैंने इसको वन से डिवाइड कर दिया, तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, थ्री वन टू, टू वन टू, सिक्स टू फाइव। तो मेरा फिर यही कहना है कि प्रैक्टिस करने में इसमें बड़ी सावधानी से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बिकॉज अगर जरा सी भी माइनस की मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो ट्राई करिए, और इसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन बैंक, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, ओके, बाय बाय।